कि हमने सारे रिवर को क्रॉस कर लिया बड़ी मुश्किल के साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं जी गंगा चोटी। जी आप मेरे पीछे देख रहे हैं जी, बर्फ भी देख रहे हैं। ये अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 2:27। अभी हम देखेंगे वहां तक हमें कितना टाइम लगता है। और इसके अलावा हमने लंच भी किया रास्ते में, और इसके अलावा थोड़ा सा स्टे किया था नमाज वगैरह का भी, और डिवाइसेस भी थोड़ी सी हमने चार्ज किए। तो अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं बाग शहर से गंगा चोटी की तरफ। काफ़ी टॉप पे है से पीछे वो भी दूर हो गई है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, बड़ी प्यारी जगह है। एक तो हमारा स्प्रिंग का सीज़न भी चल रहा है, ग्रीनरी भी बहुत मज़े की नज़र आ रही है। इनफैक्ट हम हर किसी को रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर आए। छोटा सा वाटरफॉल था जहाँ पे मुझे लग रहा था माइक्रो वाटरफॉल इसमें। ये पानी को बंद कर दिया गया था ना इंडिया की तरफ से।
भी हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया। अच्छा ब्रिज है। एक और वॉइस मैंने सेव की थी, काश मैं पाला होता तो मैं ऐसे करता। दो वॉइस हैं मैं। हमारा वो एक शायर है ना अमीर कामरान, उसकी भी एक गजल है कि काश ये तो बहुत ज़्यादा हैं पाले ना हो या लाला हो। वही है ना, वही बोल रहा हूँ, वो भी सेव की या दूसरी भी एक सेव की। इनके कुछ मरेगा मेरे आदमी आज लगता है। इस गाड़ी में मेरी कैमरा भी नहीं है, आगे वाला नहीं है। बच्चे ओके। वो निक्की जड़ी है ना जो मर से कुदरा जान दे सर। आधा घंटा लगा के हमने दो रिवर्ट क्रॉस किए हैं, लेकिन अभी अभी हम खुश हो रहे थे कि खत्म हो गए, लेकिन खुश हो रहे थे कि खत्म हो गए, लेकिन एक और रिवर्ट देखने के लिए आ गए। देखिए नाजरीन, अब इसको मैं खुद इनको निकालने के लिए जा रहा हूं। इसका मसला ये है कि गाड़ी से निकलता हूं और क्लियर कराऊंगा इनको।
आ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग भाला। कैसा फील हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं खुद ही पा खैर उनको नहीं समझ आएगी क्या बोल रहे हैं यार, ये बात सुनो। हेलो यार, आधे घंटे से यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्लियर कराओ यार, हम भी चले। वही करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं हम। आ भैया इधर आओ, जुनेद भाई बैठे, रोड काफी है, चलो 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 निकलने की कोशिश करते हैं इससे। आज की आंख ने थोड़ा किया रस, ये थोड़ी हमने सारे रिवर को क्रॉस कर लिया बड़ी मुश्किल के साथ। मैंने बाकायदा तौर पर खुद हेल्प की है इन बकर वालों की, कम से कम मैं भी थक चुका हूँ क्योंकि काफ़ी पैदल सफ़र किया मैंने अभी इनके साथ, 1.5-2 किलोमीटर तो हुआ शायद है ना। मैं भी थक चुका हूँ अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल चुके हैं, तो हम आके अपने व्लॉग की दोबारा से शुरुआत करते हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अभी हम सोधन गली पहुँचने वाले हैं, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जी सुदन गली। तो सुदन गली अभी हम पहुंच चुके हैं जी सुदन गली। बचपन में बुक में पढ़ा था सुदन गली की सैर, और देख भी लिया हमने, माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं अगर आप आते हैं गंगा चोटी, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। रिजॉर्ट एंड होटल्स यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। दियार वगैरह ये टॉप और ठंडी जगह पे ज़्यादा होते हैं ना, यहाँ हमारे जो होटल है उधर भी ऊपर काफ़ी दियार वगैरह हैं, ठंडी जगह है, तो हम नीचे रहते हैं, जो लोग इधर थोड़ा हमारी तरफ ठंड नहीं होती है इसलिए उधर रहते हैं। तो मेरे ख्याल में त्राड़खल तक ही हैं, त्राड़खल से आगे तक यहीं पर नहीं नज़र आया मेरे।
इस तरह स्मूथ में से चले वीडियो इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा के लिए। ये सामने आपको थोड़ी थोड़ी बर्फ नज़र आ रही है, अभी हम और ऊपर जाएंगे तो मज़ीद बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। बर्फ दी कहीं थी वे बर्फ है दिशा साइडों में ज़मीन नज़र आ रही है, ऐसे लगता है कि स्लाइडिंग काफ़ी होती होगी इधर। लगातार धूप हुई है, रात को बारिश भी हुई है, इसलिए कुछ हद तक बर्फ़ वापस निकल गई है, लेकिन ऊपर चलेंगे देखेंगे, कुछ उम्मीद है कि इससे ज़्यादा होगी। वीडियो उधर स्किप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जहाँ पे हम भाई बाहर ही है गंगा चोटी वाली और हम अभी नज़दीक ही हैं, पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी सी देर, शायद कोई एक किलोमीटर हमको रह गया है या फिर शायद डेढ़ एक किलोमीटर से भी कम फासला है, अभी 500 मीटर भी हो सकता है।
अभी हम पहुंच चुके हैं जी गंगा चोटी। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जी, बर्फ भी देख रहे हैं। ये हम रिक कैमरा मैन से गुजारिश करके दिखा दें ये बर्फ। और ये आप देख सकते हैं ये बर्फबारी हुई है, ये अभी रिसेंटली हुई है कोई 2-3 दिन पहले। काफ़ी अच्छा व्यू है और काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है। अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं कि 10-15 दिन तो ये पिघलेगी ना। तो अगर आप गर्मियों के मौसम में भी चाहते हैं कि बर्फ़ देखें और इंजॉय करें तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। मैं चाहता हूँ आप इंडिया वाला जो मकबूजा कश्मीर है उनको भी थोड़ा सा विज़िट करा दें। वो सामने नज़र आ रहा है ये। हाँ जी, वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये हैं जी पीर पंजाल रेंज से, जो ये सामने वाला सारा इलाका है जिसके ऊपर बादल है, और ये सारा हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर है। ये था जी आज का हमारा गंगा चोटी का व्लॉग। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।